नमस्कार दोस्तों और मीडिया अपडेट्स चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, पित्ताशय की पथरी एक पीड़ादायक बीमारी है जो अधिकतर लोगों को होती है। पित्त की पथरी का निर्माण पित्त में कोलेस्ट्रॉल और बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाने से होता है। पित्त में पथरी होने पर पेट में असहनीय दर्द होने लगता है, रोगियों को खाना पचाने में मुश्किल होती है। इसके अलावा पेट में भारीपन होने पर कई बार उल्टी भी हो सकती है। बहुत से लोगों को पित्त की पथरी के शुरुआती लक्षणों के बारे में पता नहीं होता। अगर पता चल भी जाता है तो डॉक्टर ऑपरेशन की सलाह देते हैं, जो बिल्कुल ठीक भी है, लेकिन ऑपरेशन का नाम सुनते रोगी डर जाता है और अपने इस रोग के प्रति लापरवाही बरतने लगता है। अगर आप या आपका कोई संबंधी इस रोग से जूझ रहा है तो ऑपरेशन से पहले कुछ घरेलू नुस्खे अपना कर देखें, शायद इनकी मदद से ही पित्त की पथरी के दर्द से छुटकारा मिल जाए। तो आइए दोस्तों जानते हैं उन घरेलू नुस्खों के बारे में। दोस्तों, सेब के रस में एप्पल साइडर विनेगर का एक बड़ा चम्मच मिलाकर रोजाना दिन में एक बार खाएं। इसमें मौजूद मैलिक एसिड और विनेगर लीवर को पित्त में कोलेस्ट्रॉल बनने से रोकता है। इसी के साथ इसके सेवन से पथरी से होने वाले दर्द में भी छुटकारा मिल जाता है। पित्त की पथरी में से परेशान रोगी के लिए नाशपाती बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि इसमें मौजूद पेक्टिन पित्त की पथरी को बाहर निकालने में मदद करता है। चुकंदर, खीरा और गाजर का रस तीनों को मिलाकर पीने से पित्ताशय की थैली तो साफ और मजबूत होती है, साथ ही पथरी से भी आराम मिलता है। पुदीना पाचन को दुरुस्त तो रखता ही है, साथ ही इसमें मौजूद टेरपेन नामक प्राकृतिक तत्व पित्त में पथरी को घुलने में भी मदद करता है। पित्त की पथरी के रोगी को पुदीने की चाय बनाकर पिलाएं, काफी फायदा मिलेगा। इसबगोल में घुलनशील फाइबर अधिक मात्रा में होता है, जो कि पित्त का पथरी के लिए बहुत आवश्यक है। इसबगोल फाइबर का अच्छा स्रोत होने के कारण पित्त में कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है और पथरी को होने से रोकता है। इसलिए रात को सोने से पहले पानी के साथ इसबगोल का सेवन करें। नींबू रस लीवर में कोलेस्ट्रॉल को बनने से रोकता है। रोजाना 4 नींबू का रस निकालकर खाली पेट पिए। इस तरह नींबू रस को हफ्ते भर में लेने से ही पथरी की समस्या आसानी से दूर हो जाएगी। लाल शिमला मिर्च में विटामिन सी भरपूर होता है। यह विटामिन पथरी की समस्या में काफी फायदेमंद होता है। इसलिए पित्त की पथरी के रोगी को अपनी डाइट में शिमला मिर्च जरूर शामिल करनी चाहिए, क्योंकि इसमें लगभग 95 मिलीग्राम विटामिन सी होता है। दोस्तों, एक रिसर्च में बताया गया कि वाइन से भी पित्त की पथरी से निजात पाया जा सकता है। उसके अनुसार आधा गिलास वाइन पीने से पित्त की पथरी को 40% तक कम किया जा सकता है। साबुत अनाज में भी घुलनशील फाइबर्स होते हैं, जो कि कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स के स्तर को कम कर स्वाभाविक रूप से पथरी को बनने से रोकते हैं। दोस्तों, तो दोस्तों इन नुस्खों को अपनाने से पहले एक बार अपने डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो चीज़ किसी को सूट करे वो आपके लिए बेहतर हो। तो दोस्तों, आगे भी हम आपके लिए ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आते रहेंगे। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दोस्तों जरूर दबा देना, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।